किसान भाइयों राम राम। खेत किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज आए हैं पशु प्रदर्शनी चरखी दादरी में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। अपने इस घोड़े के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, उससे पहले अपने किसान भाइयों को अपना नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम सोमनाथ, गांव बुडाना, जिला हिसार। इसका नाम क्या है? इसका नाम अफलातून है। अफलातून यानी कि तूफान की तरह ही खड़ा है। वास्तव में किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि तूफान ही नजर आ रहा है। दो भाई इसको पकड़े हुए हैं लेकिन घोड़ा जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। काफी एनर्जेटिक घोड़ा ये देखिए आप, बहुत ही शानदार है। आप इसका माथा यानी कि और कानों का मिलना देख सकते हैं और सामने से इसका माथा देख सकते हैं, इसकी छाती देख सकते हैं कि कैसी है। अगर मैं आपको इसकी टांगे दिखाऊं तो आप इसकी टांगे देख सकते हैं कितनी शानदार है। और इसकी चारों टांगों के अंदर जो है किसान भाइयों सफेद रंग है। अगर इसकी बात की जाए तो इसको जो है पंचकल्याण कहा जाता है क्योंकि चारों पैरों के अंदर इसके सफेद निशान है और माथे के अंदर भी सफेद पट्टा है, इस वजह से इसको पंचकल्याण कहा जाता है। अपने घोड़े के बारे में ये बताइए कि इसके बाप का नाम क्या है? इसका बाप का नाम फतेह शायर है। हाँ जी। और माँ? इसकी माँ तूफान लाइन से है। तो ये कौन सी नस्ल बोली जाती है? मारवाड़ी में कोमैट कलर है। चाल निकलवाई थी? ऑटोमेटिक है। हाँ जी। चाल निकालने के लिए भी आते हैं ना? हाँ, ट्रेनर हुए हैं भाई साहब। वो कितने पैसे लेते हैं? कोई 20 ले ले, कोई 25,000-30,000। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए जो ये इसकी ऊंचाई वगैरह कितनी है? इसकी 65 इंच से ऊपर ऊंचाई है। हाँ। कितने साल का हो गया ये? 5 साल का। तो और मतलब बढ़ने की उम्मीद तो है नहीं? अभी बढ़ेगा। 7 साल लग बढ़ेगा भाई। घोड़ा 7 साल तक ऊंचाई लेता है? ये घोड़ा कितने साल में बूढ़ा होता भाई साहब? घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। आज सुनने में आ गई, घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर अच्छी खुराक मिलती रहे तो हमेशा जवान बने रहते हैं। थोड़ा सा ये और बताइए कि जो इससे आप घोड़ी वगैरह को ज्ञापन भी करते हैं? हाँ हाँ जी। क्या कुछ कीमत लेते हैं आप? 35,000 रुपये मीटिंग फीस इसकी। मीटिंग फीस एक ही बार करवाते हैं? नहीं, कितनी बार ही करवाओ, घोड़ी के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर से चेक कराओ और ले आओ। कि आप क्या कुछ कीमत आंकते हैं? कीमत तो घोड़ों की कीमत कोई नहीं है भाई, करोड़ों में एक शौक है। शौक का कोई मोल नहीं होता, एनर्जी नहीं होती है, पावर बहुत ज्यादा इसमें। अच्छा, पावर बहुत ज्यादा, ताकत का सिंबल होता है घोड़ा। हाँ। तो किसान भाइयों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।